देखिए फ्रेंड, अब हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. व्हाट विल बी द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 84. ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है. ठीक है, तो मान लेता हूं मैं कि लेट माय फर्स्ट इवन नंबर क्या है, x है. ठीक है, तो कंसेक्यूटिव क्या होगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा. अब आप हमको बोलिएगा मैंने प्लस 2 क्यों किया. देखिए मैंने क्या लिया, पहला हमें क्या बोला, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. तो पहला क्या है मेरा, x मान लीजिए इवन नंबर है. तो अगर आप x प्लस 1 करोगे, देखो x क्या है, इवन नंबर. तो आप x के साथ अगर 1 को ऐड करोगे तो 1 मेरा क्या है, ऑड नंबर. तो इवन के साथ ऑड को ऐड करते तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, ऑड नंबर. लेकिन हमें क्या बोला, दोनों ही कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होना चाहिए. तो इसका मतलब 1 ऐड कर दिए x के साथ तो ऑड नंबर हो गया, तो हम वो ले नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब हम क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2 लेना पड़ेगा. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, देखिए 2 हमारा क्या है, इवन नंबर. 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर. 4 हमारा क्या है, इवन नंबर. 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1. 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 2. तो मतलब अगर एक इवन नंबर से दूसरा इवन नंबर पहुंचने के लिए हमें क्या पड़ेगा, 2 यूनिट जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा आगे. तो प्लस 2 करना पड़ेगा तब हमारा आएगा. ठीक है, यानी हमारा दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में हमारा क्या है, ऑड नंबर्स आता है. ठीक है, तो यहां से हम देख लिए, देखिए x हमारा क्या हो गया, इवन नंबर. उसके साथ हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो यानी इवन प्लस इवन हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा. सो हमने जो हमने ये लिया है x और x प्लस 2, वो हमारा क्या है, सही है. अब देखिए हम इसको ऑपरेट करेंगे. हमारा क्या हमारा डिफरेंस ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 84. सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर बराबर 84. अब ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला मान लिया. ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला मान लिया. ठीक है, ये वाला. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स. ठीक, और यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस टू प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 84. लिख सकता हूं मैं, ये देखिए x और ये x मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है, तो बचा मेरा क्या, 2 इंटू ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 आया मेरा, इज इक्वल टू 84 हो गया. सो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से भी 2 कॉमन लिया और 2 यहां पर है, मल्टीप्लाई हो गया 4. तो यानी मेरा x प्लस 1 मेरा कितना आएगा, 84 बाई 4 विच इज इक्वल टू 21. ठीक है, 21 आया. सो x हमारा क्या हो गया, 20 आया. So, मेरा x क्या है, 20 है. देखिए हमारा x 20 है, तो मतलब ये इवन नंबर है. ठीक है, तो हमारा जो दूसरा जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा 20 प्लस 2 इक्वल टू 22. फिर हमें क्या बोला है, हमें बोला है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. तो देखिए ये हमारा 20 हो गया इवन नंबर, दूसरा जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या है, 22 आया. तो अगर हमको यहां पर निकालना पड़ेगा तो हम क्या लिख सकते हो, 20 प्लस 22 हमारा आंसर क्या होगा, 42. सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, क्या लिखा होगा, इफ n इज इक्वल टू 1 प्लस m, वेयर m इज द प्रोडक्ट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. मेरा ऑप्शंस है, n इज ऑड आएगा, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, और n इज अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ n इज इक्वल टू 1 प्लस m, वेयर m इज द प्रोडक्ट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. ऑप्शंस आर, इफ n इज ऑड, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड n इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स ले नहीं सकते, जीरो भी नहीं ले सकते, बिकॉज जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे क्या क्या होंगे, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. तो मेरे को क्या बोला, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मतलब एक के बाद एक. तो मान लीजिए मैं सपोज 1, 2, 3, 4 लेता हूँ. ठीक है, 1, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ. ठीक है, तो देखिए ये जो चार मेरे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसके बीच में दो मेरे ऑड इंटीजर्स है, दो मेरे इवन इंटीजर्स है. ठीक है, इवन नंबर्स है. तो जब हम ऑड के साथ इवन को मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा क्या आता है, रिजल्ट इवन नंबर आता है. ठीक है, अब देखिए 2 है, ऑड नंबर के साथ इवन को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा.
फिर अगर उस इवेंट नंबर को ऑड नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं, इवेंट के साथ ऑड को ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या होता है मेरा ऑड नंबर। देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एन इवेंट नंबर, फाइन इवेंट नंबर। उसके साथ हम क्या वन को ऐड करें, देखिए एन क्या है मेरा वन प्लस एम, ठीक है एन क्या है मेरा वन प्लस एम, ठीक। तो देखिए m का प्रोडक्ट क्या है, इवन आ रहा है, उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर, वन क्या है मेरा ऑड, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। तो ये मेरा ऑप्शंस क्या है, वन करेक्ट है। दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं, देखिए अगर हम m को मल्टीप्लाई करें इससे क्या वैल्यू आएगा, वन इंटू टू टू हुआ, थ्री टू सिक्स, फोर से ट्वेंटी फोर। सो m हमारा क्या है 24, वन प्लस 24 इज इक्वल टू 25। देखिए 25 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है और 25 हमारा 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। So, ये भी मेरा ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अगर आप सोचिएगा नहीं हम ये चार वैल्यू और दूसरे वैल्यूज देख लेते हैं, मान लीजिए हम 2, 3, 4, 5 लेते हैं, तो अगर हम m को लेते हैं 2, 3, 4, 5 हमारा वैल्यू क्या आएगा 120 आएगा। ये बेसिकली क्या 5 फैक्टोरियल है, 120 है, उसको हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 120। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए 121 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, बट और ये आपका क्या है 11 का स्क्वायर है ना, ये हमारा क्या है 11 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सो देखिए हमारा तीनों ऑप्शंस क्या है, ट्रू है। बट आप बोलोगे नहीं भाई हम तो ये चार ही वैल्यूज लिए और भी दूसरे वैल्यूज के लिए हम चेक करते हैं, तो अभी आपका देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, मान लेता हूँ कि मैं पहला मेरा पहला इंटीजर जो है पहला इंटीजर वैल्यू जो है पहला जो मेरा इंटीजर है वो मान लीजिए वो x है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मतलब इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा एक के बाद एक, दूसरा क्या होगा x प्लस वन होगा, ठीक है। दूसरा उसके बाद वाला क्या होगा x प्लस टू होगा, उसके बाद क्या होगा x प्लस थ्री होगा, ठीक है। x x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, दीज आर माई फोर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइन। अब देखिए n तक मेरा क्या हो गया, तब मैं n को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस x इंटू x प्लस वन, ठीक है x प्लस टू, x प्लस थ्री लिख सकता हूं, x x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री। अब मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा वाला जो मेरा इंटीजर है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बड़े वाले इंटीजर के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए क्या आएगा 1 प्लस ठीक है। तो देखिए क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स होगा, सॉरी प्लस थ्री एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू, देखिए ये x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी कॉमन है। मैं x स्क्वायर प्लस 3x को y मान लेता हूँ, ठीक है। I'm assuming x स्क्वायर प्लस 3x is equal to y. Let's suppose. Let. So मेरा क्या आएगा वैल्यू 1 प्लस y इंटू y प्लस 2 आया मेरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस ट्वाइस y प्लस वन। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा क्या किस चीज का फॉर्मूला आ गया, वाई प्लस वन होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया इज इक्वल टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। सो देखिए हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है। सो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों हमारे जो ऑप्शन है ट्रू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।